बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स मुसाफ 10th क्लास। हमारा टॉपिक जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट से लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ जे एंड की। इस सिलसिले में हमने कल देखा कि सबसे प्रोमिनेंट जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर थे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो दिया था तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसने कश्मीर के पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल तमाम ये एस्पेक्ट्स जो हैं इनको अहाता किया हुआ था। और इस सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो के हवाले से जो एक अहम पेशरफ्त जो थी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से जेएंडके में नया कश्मीर मिनिस्ट्री के तहत क्या कुछ हुआ ये आज हम देखेंगे। तो हमने ये देखा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और जो महाराजा हरि सिंह थे वो पहले सदर रहे, फिर वो उन्होंने अपने बेटे करण सिंह को यहाँ का सदर रियासत बनाया। और फिर हम देखते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो इसके एज प्राइम मिनिस्टर इसके जो काम थे वो बहुत ही अहम थे कश्मीर के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रंट पर, उसने बहुत से काम किए। लेकिन उसके स्पीचेस में कुछ ऐसा भी लगता था कि जो आखिरी दौर जो उसका था 1948 का वक़्त दरअसल, तो उसमें उसका बैंड जो था, उसके स्पीच जो थे वो जम्मू कश्मीर के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते थे, वो एक अलग स्टेट चाहते थे, वो जेएंडके को एक अलग स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे। और इस सिलसिले में उसने उसके स्पीच से कुछ ऐसी स्मेल लगती थी, और जिसकी वजह से इंडियन लीडर्स को ये खदशा लगा, ये अप्रहेंशन लगा कि शेख अब्दुल्ला के टाइज जो हैं, इसके जो रवाबित हैं, इसके जो टाइज हैं, इसको कुछ इंग्लिश मैन के साथ इसके टाइज हैं, इंग्लिश पीपल के साथ, इसके डिप्लोमेट्स के साथ इसके रिलेशंस हैं, और ये कश्मीर जेएंडके को एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट रूल चाहता है। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है इस पर एतमाद उठा, और उसे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को इम्प्रिजन किया गया, इसको कैद किया गया। 12 साल तक ये जो है कैद में रहे, यानी 1953 में इसको कैद किया गया, इसको इम्प्रिजन किया गया फॉर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर्स। तो इस तरह से यहाँ जो है जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो बनाए गए वो गुलाम मोहम्मद बख्शी थे। तो गुलाम मोहम्मद बख्शी ने बिल्कुल जो मैनिफेस्टो कश्मीर का था इसको अपनाने की कोशिश की, और एक नया दौर, एक नया इरा जो है जेएंडके में शुरू हुआ। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि नया कश्मीर मैनिफेस्टो को गुलाम मोहम्मद बख्शी ने बिल्कुल लागू करने की कोशिश की, इस पर अमल करने की कोशिश की जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक ड्रीम था। तो इससे पहले कि अरेस्ट होने से पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, हम देखते हैं कि 1948 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऐसे किए थे जिसमें इन्होंने एबॉलिश जागीरदारी निज़ाम जो था, यानी जागीर जो थे, एबॉलिशन जागीर, यानी जागीरों का जागीरदारी निज़ाम जो था ये इसने एबॉलिश किया था। यह जागीरदारी क्या होती थी, यह लैंड होती थी जो स्टेट की तरफ से किसी लैंडलॉर्ड को मिलती थी, और फिर स्टेट की सर्विस करता था, फौज और पुलिस को मुहैया करता था। इस तरह से ये जागीर जो थे, ये जागीर के खिलाफ ये इसको एबॉलिश किया गया, ये जागीरदारी निज़ाम जो था कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, इसको हटाया गया। और इस तरह से इन्होंने फूड शॉर्टेज को टैकल करने के लिए, यानी कश्मीर में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी, इस शॉर्टेज को टैकल करने के लिए, फूड शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके तहत उसने ग्रो मोर फूड
स्कीम, ग्रो मोर फूड स्कीम, एक एक्ट उसने बनाया, और इसके तहत इसने इस स्कीम के तहत शेख अब्दुल्ला ने गरीब लोगों को जो लैंडलेस पीजेंट्स थे इनको लैंड अलॉट की गई, और वेस्ट लैंड जो अवेलेबल थी उस लैंड को लैंड मतलब पीजेंट लैंडलेस पीजेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इस तरह से ये लैंडलेस लोग जो थे अब वो भी एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हो गए, और इन्होंने भी ज्यादा से ज्यादा अब प्रोडक्शन शुरू की, और इस तरह से शॉर्टेज ऑफ फूड पर किसी हद तक काबू पाया ले गया। और इस तरह से शेख मुनबला ने दूसरा काम यह किया कि जो यहाँ टेनेंट्स थे, यानी लैंडलॉर्ड जो जमीन टेनेंट्स को देते थे, एग्रीकल्चर लैंड जो टेन जो काश्तकार जो मतलब फसल उगाते थे, जो लैंड लैंड पर काम करते थे और फिर वो कल्टीवेशन करते थे, और इनके लिए ये लैंड जो है ये इनको अलॉट की गई, और इस तरह से इनको इस लैंड पर इनको इंटरेस्ट दिए गए कि ये लैंड जो है ये इन इन पर इनको ये एक टेनेंसी राइट्स इनको मिल गए, यानी इनको इस पर 1900 एक एक्ट बनाया गया 1924 में। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने स्टेट टेनेंसी एक्ट को लागू किया, और इसके तहत जो लैंड लैंड लॉर्ड्स के पास थी उस लैंड को अब टेनेंट्स को दिया गया। अब टेनेंट्स जो थे काश्तकार जो थे इनको ये लैंड दी गई, और इनको इन इनको जो इंश्योर किया गया इनको टेनेंसी राइट्स मिल गई। एक तो टेनेंसी राइट्स और इनको ये श्योरिटी भी मिल गई कि वो कितनी मुद्दत तक जमीन को ये टिल्ट कर सकते हैं, अपने कब्जे में रख सकते हैं, और इसके लिए एक्ट बनाया गया स्टेट टेनेंसी एक्ट। ये लैंड लॉर्ड जो होते थे ये इनको ये टेनेंट जो होते थे जिनके पास लैंड लॉर्ड्स की जमीन होती थी वो किसी भी वक्त 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इनको लैंड देते थे, फिर इनसे वापस लेते थे, किसी और को देते थे। लेकिन शेख मुनवर ने ऐसा कानून बनाया कि अब जो इसके लिए एक फिक्स्ड टेनिवर मुकर्र किया, एक वक्त मुकर्र किया कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, यानी एक फिक्स्ड पीरियड मुकर्र किया, तब तक लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट से लैंड हासिल वापस नहीं कर सकता था। इस तरह से टेनेंट्स को एक श्योरिटी मिल गई लैंड के बारे में, अब वो लैंड पर मेहनत करता था, अब इसको वो अपनी प्रॉपर्टी समझता था। इस तरह से ये टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 1948 में एक बहुत ही बड़ा ये टेनेंट्स के लिए एक रिलीफ था, और इनको इस तरह से यानी राहत मिल गई। इसके बाद इस एक्ट के तहत इनको फिक्स्ड यानी फिक्स्ड ऑफ टेन्योर मिल गया, यानी एक फिक्स्ड पीरियड तक वो जमीन को अपने पास रख सकते थे, और इस तरह से जो इनको वो रेंट देना पड़ता था लैंडलॉर्ड की तरफ वो रेंट भी फिक्स्ड हुआ। अब लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से रेंट डिमांड नहीं करता था, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर एक एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता था, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक कानून बना हुआ था, और लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से डिमांड नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए रेट्स मुकर किए थे, तो ये भी अब टेनेंट्स के लिए, गरीब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत का एक मतलब कानून था जो शेख मुदउल्लाह ने पास किया यहाँ। और इसके साथ साथ उसने ये जो है गरीब लोगों को, यानी जो डिस्ट्रेस है पुअर और पुअर स्ट्रिकन पीपल जो है कश्मीर के जैन के स्टेट के, इनके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको हम जिसको जिसका नाम दिया गया था जिसका नाम दिया गया डिस्ट्रेस डेटर्स रिलीफ एक्ट। डिस्ट्रेस डेटर्स रिलीफ एक्ट जो है 1950 में लागू किया गया। इसके तहत कुछ काउंसिल बनाए गए यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट से, 4 डिस्ट्रिक्ट थे अनंतनाग में और इसी तरह बारामूला में, श्रीनगर में, और ये डिस्ट्रिक्ट जो थे इन डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल बनाए गए, और काउंसिल जो है लोगों के हालात का मुआयना करते थे, फिर इनका वो कर्जा जो होता था वो गवर्नमेंट इनको माफ करता था या इनको कुछ रिलीफ मिलता था। इस तरह से गरीब लोगों की राहत के लिए भी कुछ ये जो कुछ बोर्ड बनाए गए कि इनकी हालात पर नजर रखी जाएगी, और इनके इनका कर्जा जो है इस पर इसको गवर्नमेंट की तरफ से इनको ये जो लोन्स मिलते थे, और इस तरह से उनका कर्जा जो था माफ किया जाता था, और इनको कुछ रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था। और सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे अहम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको जिसको स्टेट का मैग्निकाटा कहा जाता है वो है लैंड रिफॉर्म एबॉलिशन एक्ट। और इस एक्ट को 1950 में पास किया गया जिसको हम कहते हैं कि बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट। ये 1950 में शेख उल्लाह ने ये जो लागू किया,
और इस एक्ट के तहत जो है ये लैंड लॉर्डिज्म जो है, यानी लैंड लॉर्ड, ये जागीरदारी निजाम जो है, लैंड लॉर्ड्स के पास जो लैंड होता था, इस लैंड को इनसे, लैंड लॉर्ड को ये लैंड इनकी टेनेंट्स की ये मिल्कियत बन गई। अब लैंड लॉर्डिज्म जो है स्टेट में खत्म हुआ और ये लैंड जो है ये टेनेंट्स को, पीजेंट्स को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और इस तरह से जो लैंड लॉर्डिज्म स्टेट में था इसको खत्म किया गया। और ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक सेटअप था जो शेख मुहम्मदुल्लाह ने यहाँ उठाया था, जो कानून इसके खिलाफ बनाया गया था, और ये एक अहम कानून था। और इसके तहत ये था कि अब लैंड लॉर्ड ज्यादा से ज्यादा जो है 182 कनाल्स वो रख सकता था लैंड, या 22.5 एकर्स ऑफ लैंड एक लैंड लॉर्ड रख सकता था। इसके अलावा जो लैंड होती थी वो सारी लैंड डिवाइड होती थी, डिस्ट्रीब्यूट होती थी गरीबों के दरमियान। और इस तरह से यहाँ जो ये लैंड रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो शेख ने किए, ये बहुत ही अहम रिफॉर्म्स हैं, और अभी ये जो है इसके बहुत ही अच्छे असरात निकले, और आज तक लोग जो है इस चीज का एतराफ करते हैं कि ये बहुत बड़ा जो काम शेख ने किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था शेख की गवर्नमेंट का। तो कल इंशाल्लाह आगे होगा, आज के लिए काफी।